आप देख रहे हैं A9 न्यूज अमीन शेख के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप तमाम वालिदैन और सरपरस्त हजरात को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि हमारे इदारे अलासनात के तहत प्राइमरी व हाई स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन पैराए से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम इंतजामी इदारे में इन बच्चों के खातिर मकूल और सही इंतजाम और तालीमी मयार को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शुक्रगुजार हुए कि हम हमारे तालीमी इदारे के साल रवां 2022-23 को डिपार्टमेंट की जानिब से PU कॉलेज आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की परमिशन मिल चुकी है। इंशाल्लाह इस कॉलेज को भी परवान चढ़ाने की हक में हम अल्लाह मकान को कोशिश करेंगे। लिहाजा आप तमाम वालिदैन वो सरपरस्त हजरात हम मुंतजमी इदारे पर जो भरोसा दिखलाए हुए हैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। इसलिए आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आला स्नात PU कॉलेज में दाखिला दिलवाकर उनका मुस्तकबिल संवारने में हमारी मदद करें, इस कॉलेज में दाखिला दिलवाएं। हमारे इस तालीमी इदारे में सभी तरह के लोजमात, बेहतरीन तजुर्बेकार लेक्चरर और अहम तकरीर भी किया है। साथ ही साथ लैब और लेबोरेटरी के भी बेहतरीन इंतजाम हैं। इस सुनहरे मौके का भरपूर सभी फायदा उठाएं, हम आपको कभी मायूस होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं सदर इदारा आला स्नात मौलाली डी रुगी हबीब नगर जोरापुर पेट बीजापुर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आला स्नात एसोसिएशन का जो बायोग्राफी है इसका वो यूं इस तरह है। एसोसिएशन जो है 83-84 में एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद यहीं पे जोरापुर पेट नियर अली खां बोड़ी के पास से इसकी शुरुआत हुई, एक छोटे से मकान में, पतरे के शेड में, जहाँ पे एक हेडमास्टर थे, एक उस्ताद असिस्टेंट मास्टर थे, एक स्टूडेंट था, एक प्यून था। वहाँ से लेकर बाद में मैनेजमेंट में जो है एक हमारे जो मरहूम लुकमान तावीलदार थे, इसके जो फाउंडर हैं और फाउंडर प्रेसिडेंट मरहूम मोहम्मद इब्राहिम अलहाज मोहम्मद इब्राहिम बीजापुर साहब, और एक चेयरमैन थे अलहाज अब्बास अली उस्ताद मुल्ला साहब थे। इसके बाद हमारे जो स्कूल है 8th, 9th, 10th से शुरुआत हुई और थोड़े दिनों के बाद उसको शिफ्ट करके जन्नत मैरिज हॉल के पास चला गया। वहाँ पे एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी, उसे हमने मरम्मत करके वहाँ से शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 हमारा जो इदारा है 10th तक पहुँचा। 10th तक पहुँचने के बाद वहाँ से हमारे बच्चे बहुत अच्छे तालीम से व्यवस्था होके फारिग होके डिस्टिंक्शन में आ गए, डिस्ट्रिक्ट में आ गए और स्कूल के लेवल में भी डिस्टिंक्शन में आ गए। बढ़ते इसके बाद चढ़ते चढ़ते हमारे इसके अंदर इनके हमारे जो है असातिज़ा का भी बहुत साथ रहा। और तो कुछ दिनों के बाद सदर मोहतरम का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद नए सदर मोहतरम आ गए, उनका नाम था अलहाज मौलाली रूगी साहब। उनके सरपरस्ती में हमारा इदारा चलने लगा। उसके बाद वहाँ की जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी उसको मरम्मत करके RCC बनाने के बाद हम लोग क्या किए, वहाँ से नया जगह के इस जगह में विद्यानगर में NA साइट मतलब CA साइट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 30 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेके इसको हम स्टार्ट किए। आज ये हमारी बिल्डिंग चल रही है। यहाँ पे जो है LKG से लेके 10th तक है, ये कल तक LKG से लेके 10th तक थी। हम जो LKG से जो प्राइमरी 7 तक जो परमिशन है 2004-05 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। आज से तकरीबन ये प्राइमरी जो सेक्शन है, LKG जो सेक्शन है, 18 साल हो स्टार्ट हो गए, अभी हमारा एडेड नहीं हुआ। हाई स्कूल एडेड है, एडेड का भी 92-93 में। अब तकरीबन आज के दिन में यानी कुछ दिनों पहले मतलब 4-8 दिन पहले हमारा इरादा बहुत दिनों से था कि एक PU जूनियर कॉलेज खोलें, एक डिग्री कॉलेज खोलें। अल्लाह ने हमारी सुन ली और हम सब शहरयान बीजापुर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और ऊपर वाले का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें PU कॉलेज की परमिशन मिल गई और इसके तहत PU कॉलेज के तहत हमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स की ये परमिशन मिल गई और तकरीबन कल पहली तारीख से ही हम स्टार्ट किए। इसके लिए हमने क्या किया है,
अच्छे वेल एक्सपीरियंस वेल तजुर्बाकार साइंस टीचर्स, कॉमर्स टीचर्स और आर्ट्स टीचर्स को मुंतखब करके सिलेक्शन किए हुए हैं। तकरीबन अब आने वाले 10-12 दिनों में हम शायद स्टार्ट कर सकेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। टीचिंग स्टाफ भी हमारा वेल एक्सपीरियंस है और बिल्डिंग तो माशाल्लाह आरसीसी है, कमरों की किल्लत नहीं है, लाइब्रेरी की किल्लत नहीं है और प्रैक्टिकल हॉल तो जो पीवी बोर्ड में हमें चाहिए और लेक्चर हॉल जो पीवी बोर्ड चाहते हैं स्पेसिफाइड हमारे पास ये है, क्या है स्ट्रक्चर है हमारा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्रैक्टिकल हॉल है, लाइब्रेरी है और फर्स्ट एड का ये है और इसके जो भी ज़रूरत हैं, जो भी लवाजमात हैं, गवर्नमेंट जो भी हमें इंस्ट्रक्शन में फॉलो किए सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसके मुताबिक हमने पूरा परमिशन लेके बाकायदा स्टार्ट किए हुए हैं। और जी एडमिशन कब से स्टार्ट? हम कल से स्टार्ट किए हुए हैं, कल से एक जून से हमें स्टार्ट किए हुए हैं, एक जुलाई से। और अभी बच्चे आ रहे हैं और पेरेंट्स भी आ रहे हैं और उनके लिए हमें क्या जो भी उनके फुलफिलमेंट है वो हमें बाकायदा हमारे एक दो नॉन टीचिंग स्टाफ वो बताए हुए हैं, उन्हों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट भी हमारा बनाए हुए हैं। हम ये हमारा प्रॉस्पेक्ट है, ये प्रॉस्पेक्ट है हमारा और एडमिशन के साथ में जो एडमिशन फॉर्म दिया जाता है उसके साथ प्रॉस्पेक्ट को भी दिया जा रहा है। और इसके अंदर हमें और एक अब हम हमारे बुज़ुर्गों से और मोहतरमंद लोगों से भी दुआ के दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसके साथ ही साथ नीट और केसेट एग्ज़ाम के भी अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं और इसके लिए हम लेक्चरर्स के भी और तजुर्बाकार एक्सपर्ट के लिए भी कांटेक्ट में आ रहे हैं और ऐसा हमारा ये एमसाल है और तकरीबन क्या है। और इसके अलावा भी रेसिडेंस के लिए भी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। आप सब हमारे लिए दुआ कीजिए और शहर है ना बीजापुर से हमारी दरख्वास्त है, आप अपने बच्चों को लगा के यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिशन करवाएं और कौम मिल्लत की खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं और इसके अंदर हमारी क्या बेलोस खिदमत हम देना चाह रहे हैं। आज तक भी हमारे प्रेसिडेंट हो, हम मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम एम बीजापुर है और हमारे सदर मोहतरम जो हैं अभी जो मौलाली डी रुगी अराज इनके और हमारे ताल्लुकात जो हैं बहुत क्लोज हैं और हम ख्याल हैं, सबसे बड़ी बात हम ख्याल हैं। इसके अंदर हमारा क्या भी खुदगर्जी कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं इस 600 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी 225 प्राइमरी में और बचे हुए 400 हाई स्कूल में हैं। इसमें एक आप मैं बताना चाहता हूँ, हमारे इदारे में 99% गर्ल्स की है, 1% बॉयज है सिंस बिगनिंग LKG से 10th तक। आखिरी तारीख क्या है एडमिशन के लिए? आखिरी तारीख तो ऐसे तो 15 जुलाई कुछ दिए हुए हैं और इसके लिए पेनल्टी भी आता है और हमें जो परमिशन लेट से मिली हुई है, हम DDPI से जो थोड़ा परमिशन लेके ये करना चाह रहे हैं तो थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए। अब तक कितने एडमिशन हो चुके? नहीं अभी कल से पहली तारीख से चालू है, कल से स्टार्ट किए हैं अभी रेगुलर अभी आ रहे हैं करवाएंगे। बस की सहूलत है हमारे जी। और क्या सहूलत है सर? अब जो भी बाहर के गांव से आते हैं उनके लिए कुछ रहने का तो अभी तो फिलहाल तो हमने उसके रेसिडेंस के क्या भी इंतज़ाम नहीं है हमारे पास, अगर बच्चे ज़्यादा आएगा तो हम इंतज़ाम कर सकते हैं, रेसिडेंस भी कर सकते हैं। आप आने से पहले थोड़ी देर पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे रेसिडेंस के बारे में, अगर करिए के विलेजेस के इधर आसपास के जो भी बच्चे अगर कन्नड़ा मीडियम के आए तो भी उनको कन्नड़ा मीडियम की प्रोवाइड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू मीडियम तो नहीं होता, इंग्लिश या तो कन्नड़ा, अगर हमारे उर्दू स्टूडेंट के लिए तो कंपलसरी इंग्लिश मीडियम चाहिए, अब कन्नड़ा मीडियम के लिए तो कन्नड़ा मीडियम ही कर सकते हैं, अगर चाहे तो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं, अगर कन्नड़ा मीडियम करना चाहते हैं तो हम उनके लिए प्रोविजन कर सकते हैं। दोनों साथ साथ ही चलने वाला हमारा, कन्नड़ा मीडियम एंड उर्दू मीडियम। और खबरों के लिए देखते रहिए A9 न्यूज।